ये देखो रात का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे दोस्तों। अभी नदी का बहाव देखो कितना भयंकर वाला हो रखा है। जय बद्रू के साथ दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग के साथ कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ से और शाम के बज चुके हैं 6:30-7 बजने वाली उनकी साइड से। तो माड़ा गांव से आए हम अभी जस्ट अभी, तो थोड़ा सा हाथ मुंह धोए, कपड़े गीले हो ही रखे, लेकिन हमने सोचा कि चले जाते क्योंकि हमें इतना नहीं पता था यार कि ऐसा कुछ होगा ये सब चीज़। तो हम 3-4 जोड़ी रख लेते कपड़ों की, मनीषा मैं तो सोच ही रहे थे। और अभी फिलहाल हम दोनों के दोनों तैयार हो चुके हैं तो हम जा रहे हैं। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, कल सुबह सुबह हम निकलने वाले हैं। तो आज हम दोनों के दोनों जा रहे हैं अभी वहाँ पे, फिर से जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ के, जय बद्री विशाल की। तो अभी फिलहाल हम वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए मनीषा और मैं, और आप लोगों से भी करवाते फिर से दर्शन। सुबह हमने फोटोज में ली थी क्योंकि जो हमने पहले के कपड़े पहने थे ना दोस्तों, हमने सोचा था कि वहाँ मतलब पहले कपड़े कपड़े चेंज करेंगे उसके बाद जाएंगे मंदिर में, लेकिन डोली चली गई थी, फिर मुझे वीडियो भी बनाना था तो हमने फोटोज वगैरह कुछ नहीं खींची। तो अभी हम फोटोज खींचने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बद्रीनाथ का रात का व्यू भी बता लेंगे। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, अभी हम निकलते हैं घर से। और जहाँ मतलब डोली रुकी हुई ना वहाँ ना 450 बोल रहे थे रूम का। फिर मनीषा मैं ऋतिक अमृति का दोस्त मतलब जो हमारी दादी का लड़का अजीत, तो हम चारों के चारों रुके हुए हैं। दो बैठे यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, और जो वहाँ पे 450 बोल रहे थे यहाँ पे हमें 250 पड़ रहा। ऊपर से रूम भी पूरा प्राइवेट रूम है तो इसलिए हमने रूम ही कर दिया था यहाँ पे बस जस्ट बगल में। तो बने रहने से आप लोग, ये है यहाँ पे वॉशरूम, ये है यहाँ पे रूम, यहाँ पे मनीषा में रहेंगे, वहाँ पे अजीत और ऋतिक रहेंगे। तो अभी हम निकलते हैं बस। तो इधर के साइड ना दादी और भी रुके हुए हैं यहीं पे, मतलब जो हमारे गाँव की बूटी जी और दादी जी और है वो भी यहीं पर रुके हुए हैं, और हम जा रहे हैं अभी। और हमने साथ ही साथ घर के लिए कुछ शॉपिंग भी कर ली है, कल रक्षा बंधन भी है, मैंने राखी रोखी कुछ नहीं ले रही है, राखी भी लेनी है, शॉपिंग भी करनी है। तो जल्दी जल्दी करते हैं फिर रात हो जाएगा, फिर खाने के लिए हम रूम पे ही लेके आ जाएंगे। और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो अभी हम मंदिर में आ गए मतलब पहुंचने वाले, यहाँ पे हम थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं और मैं छोटों के लिए देख रही थी कुछ, बाकी घर वालों के लिए अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो। ये देखो रात का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पे ये है दुकान, और ये देखो यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो ये रात का व्यू कुछ ऐसे है मंदिर का। ये रोहित बोल रहा है दूसरी बार आ रहे की, तो दो बार आज के दिन हमने दर्शन कर लिया, अंदर वीडियो अलाउड नहीं होता तो आप लोग बाहर से दर्शन कर लो। तो अभी यहाँ पे कपाट भी बंद हो चुका है और हम सही टाइम पे आए यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हमने प्रसाद भी ले लिया घर के लिए और कुछ सामान लेते छोटा मोटा, मंदिर भी बंद हो चुका है तो चलो। दोस्तों अभी नदी का बहाव देखो कितना भयंकर वाला हो रखा है, और हम जा रहे हैं अब रूम पे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत घर वालों के लिए सामान ले रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे मुझे छोटों के लिए समझ नहीं आ रहा छोटों के लिए क्या लूँ। तो अभी हमने शॉपिंग भी कर दिया थोड़ी बहुत जो हमने लेना था, बाकी राखी तो मनीषा लेके आ रखी है, तो वही मतलब वही बहुत सारी राखी लेके आ रही है, तो मैंने सोचा मैं भी उन्हें पहना। और अभी हम डिनर कर रहे हैं,
उसके बाद हम जल्दी जल्दी रूम पे जाके सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है इसीलिए और अभी क्या हुआ नीचे किसी बेचारे ने छलांग दे दी ऊपर पुल से कोई यात्री वाला था कहाँ के गुजरात साइड राजस्थान साइड का यात्री वाला छोला पीट रही है उसे छलांग दे दिया तो बहुत बुरा लगा तब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने अभी फिलहाल आपको कॉफी खाने आ गए भूख लग रही है आज हम इतना पैदल चले तो इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कल हम निकल जाएंगे हमने घर जाते हैं सो जाऊंगी इंजॉय कितना क्या बहुत आज हमने बहुत इंजॉय किया मैंने बहुत और हम पूरे रास्ते पैदल चले मतलब नंगे पैर चले हमने चप्पल भी नहीं पहनी एक बार भी सुबह पहने थे सुबह उतार दी थी हमने चप्पलें पूरे जब आए थे तब से हमने चप्पलें नहीं पहने तो वैसे ही तो अभी फिलहाल हमने बस ऐसे मतलब वो मंगा रखा फास्ट फूड मंगा रखा है चावल मोमोज तो बस और इतना महंगा है ना इतना महंगा यहाँ पे बहुत बोलने लायक नहीं तो ये है मोमोज काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं चावल खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर जाते रूम पे तब मिलता है आपको।